Hello everyone, this is Divya. Welcome to my channel Banking Goals. Today's topic is very unique. The topic's name is Human Resource Management. This is a very important part, or as you can say, this is a very important factor in development and in working of an organization. Let's begin with the topic. What is human resource management? Like human, that we human beings, resource. We are the resources, and the management of such resources, that is human resources or human beings, is human resource management. जैसे आप जानते हैं कि एक organization के working के पीछे बहुत सारे resources लगते हैं. For example, water, electricity, machinery, ये सारे resources हैं. You can say raw materials, ये सारे resources हैं जो एक organization, एक company के working में काम आते हैं. Whether it is a business organization, whether it is a non-business organization, दोनों केसेस में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. उसके बिना ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करती है. वैसे एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है जो ये सारे रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा ऊपर और सुपीरियर है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स. अब ह्यूमन रिसोर्सेज जो एम्प्लॉयज़ है, मैनेजमेंट है, एवरीबॉडी कम्स अंडर ह्यूमन रिसोर्स. वो सारे रिसोर्सेज है एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग के लिए. तो इन टुडेज जनरेशन और इन टुडेज वर्ल्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का या फिर उसके मैनेजमेंट का वर्किंग का मैनेजमेंट इज अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. प्रायर टू दिस, कुछ सालों के पहले, देर वॉज पर्सोनल मैनेजमेंट. तो पर्सोनल मैनेजमेंट, पर्सोनल मीन्स ऑल्सो ह्यूमन बींग्स ओनली. तो जो एम्प्लॉयज़ है उनका मैनेजमेंट, दैट वॉज पर्सोनल मैनेजमेंट. तो उसमें और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक बेसिक और एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, जिसके वजह से पर्सनल मैनेजमेंट का अपग्रेडेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हुआ. पर्सनल मैनेजमेंट हैज़ इट्स फोकस कम्प्लीटली ऑन द एम्प्लॉयज. ठीक है, एक ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये वर्किंग एनवायरनमेंट है, एक पर्टिकुलर वर्किंग एनवायरनमेंट है, पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस है, पर्टिकुलर ड्यूटीज़ है एक एम्प्लॉयज के, वो उसको फॉलो करवा के लेना, दैट इज पर्सनल मैनेजमेंट. ओके, एम्प्लॉयज को वो सब कराना, दैट इज पर्सनल मैनेजमेंट. वेयर एज इन केस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा वास्ट है. इट इज़ एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट. इसमें सिर्फ एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट नहीं है, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ द एबिलिटीज, द कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज की जो स्किल्स है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो नॉलेज है, इन सबका मैनेजमेंट करना, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज वेरी मच फ्लेक्सिबल, वेयर एज इन केस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट वो बहुत रिजिड है. ये पर्टिकुलर तुम्हारी ड्यूटीज है, वो तुमको फॉलो करनी है, एम्प्लॉय से फॉलो करा के लेनी है, दैट इज पर्सनल मैनेजमेंट. बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील करेगा कि उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लेके उसके रिटायरमेंट प्रोसेस तक, और उसकी उस ड्यूरेशन में उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो नेसेसिटीज है, उसके जो बेनिफिट्स है, उसका जो पे है, उसका वर्किंग कंडीशन है, उसके स्किल्स है, उसका प्रमोशन है, ट्रांसफर्स, अपॉइंटमेंट्स, रिक्रूटमेंट, एवरीथिंग कम्स अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इसके साथ ही जो मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज है, उनका अलाइनमेंट रखना, उनके गोल्स का, ये सारा काम भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर आता है. सो पर्सनल मैनेजमेंट बहुत रिजिड हो गया और ये बहुत फ्लेक्सिबल हो गया क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वास्ट है. तो मोस्टली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये एक कंप्लीट प्रोसेस है. जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू फोर फंक्शंस. जो उसका पूरा वर्किंग है वो फोर फंक्शंस में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज एक्विजिशन, अक्वायर करना. सेकेंड इज डेवलपमेंट, जो अक्वायर किया उसको डेवलप करना. आई एक्सप्लेन इट इन डिटेल लेटर ऑन. सेकेंड इज डेवलप करना. थर्ड इज मोटिवेट करना, ओके, इन टर्म्स ऑफ रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन. फोर्थ इज मेंटेन करना, जो अक्वायर किया है, जिसको डेवलप किया है, जिसको मोटिवेट कर रहे हो, उसको मेंटेन करना ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. ओके, तो ये फोर फंक्शंस में कंप्लीट एचआरएम इज डिवाइडेड. तो फर्स्ट इज एक्विजिशन. तो एक्विजिशन का क्या पर्पस है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है एक्विजिशन में. रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, देन इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें एक्विजिशन में आती हैं. ओके, सबसे पहले रिक्रूट कराना, ओके, जो प्रोस्पेक्ट
सिलेक्टेड एम्प्लॉयज है उनको अप्लाई करने के लिए बोलना, दैट इज रिक्रूटमेंट. सेकेंड इज उनको सिलेक्ट करना, देयर सिलेक्शन, जो एलिजिबल है जिन सबका नॉलेज देखना, कौन से ड्यूटी के लिए, कौन से पोस्ट के लिए वो है, तो उसके लिए वो एलिजिबल है कि नहीं, दैट एम्प्लॉयज और दैट प्रोस्पेक्टेड एम्प्लॉयज वो रोल के लिए एलिजिबल है कि नहीं वो चेक करना, उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन करना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें देख के उनको सिलेक्ट करना. थर्ड इज प्लेसमेंट, उनको प्लेस करना, उनको एक बराबर इंसान को बराबर जॉब अलॉट करना, दैट इज प्लेसमेंट. तो ये सारा प्रोसेस में आता है एक्विजिशन के. तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, सबसे पहले रिक्रूट कराना, देन सिलेक्ट कराना, देन प्लेसमेंट. तो दिस कम्स अंडर एक्विजिशन. सेकेंड इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मतलब जो अक्वायर किया है उसको डेवलप कराना, उसको प्रमोट कराना टू अ हायर पोजिशन. तो ये कब पॉसिबल होगा, जो जब आप एम्प्लॉयज का नॉलेज बढ़ाओगे, ओके, व्हेन यू विल ट्रेन देम. तो ये जो ट्रेनिंग की जो पूरी एक्टिविटीज होती है इन ऑर्डर टू एनहांस द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय, दैट इज दैट कम्स अंडर डेवलपमेंट. जो आपके पास ऑलरेडी है उसको डेवलप करना. थर्ड इज मेंटेनेंस. एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, इन द प्रीवियस डेज पर्सनल मैनेजमेंट था, उसमें दिस वॉज योर फंक्शनल ड्यूटीज जो आपको असाइन की जाती थी, ये उसका पे स्केल है, ओके, खत्म. ये आपको उसका इतना पे मिलेगा. बट इन केस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो मेंटेनेंस के अंडर जो रिवॉर्ड्स आते हैं, दैट इज कि अगर आप कोई फंक्शनल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, यू विल गेट द पे फॉर दैट. बट अदर देन दैट, अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने के लिए कोई एफर्ट्स ले रहे हैं, कोई क्रिएटिव आइडियाज प्रोवाइड कर रहे हैं, यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट. सिमिलरली यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेगा, यू विल गेट इंसेंटिव्स, यू विल गेट बेनिफिट्स, एंड यू विल गेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट, और यू विल गेट, यू विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट पॉलिसी. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस. एम्प्लॉयज को एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरमेंट प्रोवाइड करना, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अगर आपका एम्प्लॉय इज हैप्पी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ही विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लार्ज अमाउंट टू योर ऑर्गेनाइजेशंस वेलफेयर एज वेल एज प्रमोशन. आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो एम्प्लॉय हेल्प करेगा, कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, अगर ही विल बी प्रोवाइडेड अ गुड वर्किंग एनवायरमेंट, ही विल बी प्रोवाइडेड गुड पे, ही विल बी गिवन प्रॉपर फैसिलिटीज. तो ये सारी चीजें मेंटेनेंस में आता है, आपका हेल्थ केयर, एजुकेशन, ओके, एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय फॉर अ हायर पोस्ट, देन आपका मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, देन आपका हाउसिंग, आपको हाउसिंग प्रोवाइड कराना, क्वार्टर्स प्रोवाइड कराना, देन आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, आपका कम्यूट कराने के लिए आपको व्हीकल प्रोवाइड करना, और उसके लिए एक्स्ट्रा अलाउंस देना, ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस के अंडर आती है, जिसके वजह से एम्प्लॉय खुश रहता है, ओके, दिस कम्स अंडर मेंटेनेंस. तो ये फोर फंक्शंस हो गए जिसके बेसिस पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपेंड करता है. उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ पीपल ओरिएंटेड प्रोसेस. मतलब आपके जो रिसोर्सेज है, फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिसिटी, आपकी मशीनरी है, यू कैन हैव इट ऑन द बैलेंस शीट, ओके, उसका रिकॉर्ड आप बैलेंस शीट पे देख सकते हैं, इट इज विजिबल इन टर्म्स ऑफ द रिकॉर्ड. बट जो ह्यूमन रिसोर्स है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द बैलेंस शीट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको नहीं दिखेगा, बट उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में. उस एम्प्लॉयज जो काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो काम करते हैं, उसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ओके. यू हैव द रिसोर्सेज बट यू डोंट हैव एनीबॉडी टू गेट द आउटपुट आउट ऑफ दैट रिसोर्सेज, सो एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं करेगी. तो ह्यूमन रिसोर्सेज आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, बट इट हैज एन ग्रेट इम्पैक्ट कंपेयर्ड टू द अदर रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो आपका ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले. नेक्स्ट इज दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कंटिन्यूस प्रोसेस इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल आपके अदर रिसोर्सेज है लाइक वाटर, तो आप वाटर का टैप शुरू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ओके.
सेकेंड थिंग, अगर आपका कोई टास्क है पर्टिकुलर, वो आप वंस इन अ वीक यू कैन परफॉर्म दैट टास्क. बट इन केस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है, इंसानों का मैनेजमेंट है. तो इट इज़ ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, उसमें रोज अपग्रेडेशन आएंगे, इम्प्रूवमेंट्स आएंगे. सो इट हैज़ टू बी डील्ड डेली. रोज किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम रहेगा, रोज किसी ना किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम रह सकता है, उसके वर्किंग कंडीशन को लेके, उसके हेल्थ को लेके, उसके बेनिफिट्स को लेके, उसके वेजेस को लेके. तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस बेसिस पे है. उसके बाद प्रमोशन है, उसके बाद ट्रांसफर्स है, दिस इज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो इसमें कंटिन्यूस, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. नेक्स्ट इज विल सी द स्कोप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप है फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सोनल से रिलेटेड. पर्सोनल मतलब ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, जैसे उसके रिक्रूटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक. फॉर एग्जाम्पल, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसके बाद सिलेक्शन है उनका, प्लेसमेंट है, रेगुलर बेसिस पे प्रमोशन है, उनके ट्रांसफर्स है, उनके पे, उनका पे है, उसके अलावा उनके जो रिवॉर्ड्स है, ये सारी चीज़ें पर्सोनल से रिलेटेड हो गई. तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील करेगा. सेकेंडली, वेलफेयर एक्टिविटीज़ है. वेलफेयर एक्टिविटीज़ में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. लाइक एम्प्लॉय के एजुकेशन से लेके उसके हाउसिंग, उसके ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, उसकी कैंटीन, लंच रूम्स, रेस्ट रूम्स, उसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उनके, उसके अलावा उनका जो रिवॉर्ड्स है, रिकॉग्निशन है, उनके इंसेंटिव्स है, फ्रिंज बेनिफिट्स है, ये सारी चीज़ों में भी, इन सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ में भी, या फिर उसका वर्किंग एनवायरनमेंट जो है, उससे मोस्टली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील करता है. इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशंस है. अभी फॉर एग्जांपल, यूनियन और मैनेजमेंट, ये दोनों का थॉट्स को अलाइन करना, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सॉल्व करना, उनके ग्रीवियंसेस को सुनना, उसका रिड्रेसल देना, कोई एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व करना, दो एम्प्लॉयज़ के बीच में है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो ये सारा स्कोप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है. तो ये तीनों में डिवाइडेड है स्कोप, पर्सोनल, सेकेंड इज वेलफेयर एंड थर्ड इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस. अभी उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? सबसे पहली चीज़ तो उसका सोशल सिग्निफिकेंस क्या है हम देखेंगे. कि सोशल सिग्निफिकेंस इन द सेंस कि एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो ही शुड बी प्रोवाइडेड विद एवरीथिंग गुड. लाइक उसका वर्किंग कंडीशन गुड हो, उसका उसको बेनिफिट्स मिलने वाले वो गुड हो, उसको ट्रीट अच्छे से किया जाता हो, सो दैट ही विल बी हैप्पी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. उसमें काम करके उसको खुशी रहे, सो ही विल बी हैप्पी एट होम, ही विल बी हैप्पी इन द सोसाइटी. तो ये एक सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया कि हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज अगर खुश है तो वो सोसाइटी में भी खुश रहेंगे, सोसाइटी को गुड कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. ऑन द सेम नोट, इट विल कॉन्ट्रीब्यूट गुड टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द एम्प्लॉय विल बी हैप्पी एट हिज होम. सेकेंड इज प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस. अब प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस है कि उसका डेवलपमेंट होगा, उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, उसका प्रमोशन होगा, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी, उसका नॉलेज बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेगी. तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जिसका एंड रिटर्न वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. उसका नॉलेज बढ़ेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन में ही दैट नॉलेज विल बी रिफ्लेक्टेड इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो प्रोफेशनल उसका सिग्निफिकेंस हो गया. थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस. अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, कि जो एम्प्लॉयज है उसके गोल्स और एम्प्लॉयर के गोल्स, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है और एम्प्लॉयज के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका अलाइनमेंट कराना. अगर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टिंग 100 crore सेल्स टर्नओवर इन अ पर्टिकुलर ईयर, ये ईयर में वो 100 crore सेल्स टर्नओवर का ऑब्जेक्टिव रखता है, तो एम्प्लॉय शुड ऑल्सो हैव द सेम ऑब्जेक्टिव. क्योंकि जब तक वो नहीं रहेगा रखेगा तो एम्प्लॉय विल नॉट वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव. तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के थॉट्स को, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अलाइन करना, ये भी इम्पॉर्टेंट काम करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. सिमिलरली उनको गुड अच्छी एमिनिटीज प्रोवाइड करना, उनको डिग्निटी के साथ रखना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनको रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन देना, वो जो काम कर रहे हैं, इफ इट इज वर्किंग हार्ड टू अचीविंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ही शुड बी डेफिनेटली रिवॉर्डेड एंड रिकॉग्नाइज. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये काम है कि वो देखते हैं वेदर एम्प्लॉय को उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, उसका रिकॉग्निशन मिल रहा है. सो दिस मच वॉज फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट 1. सून विल बी पोस्टिंग द अदर वीडियोज. वी हैव
bundle of videos for this topic. So this topic will be completely covered in those videos. So thank you so much for watching the video. Do like the video, subscribe my channel, press the bell icon for the regular notifications, as well as share it with your friends and families. Thank you so much.